हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम हैं गैंगटॉक, द अमेजिंग गैंगटॉक, द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम। तो दोस्तों अभी हम हैं जो गैंगटॉक का द फेमस एमजी मार्ग, ये गैंगटॉक का सबसे फेमस एमजी मार्ग है। और यहाँ पे इतना भीड़ है अभी क्योंकि ये शाम को ही भीड़ यहाँ पे होता है। यहाँ पे लगभग ये 700-800 मीटर का ट्रैक है और दोनों साइड दुकान है, आपको ए टू जेड पब, रेस्टोरेंट, बार और मेडिसिन शॉप, सारे टाइप का दुकान है यहाँ पे। और बीच में गार्डन है और बैठने के लिए बना हुआ है। और गैंगटॉक का सारा भीड़ यहीं पे आके जमा होता है शाम को, और इवनिंग में यहाँ पे बहुत भीड़ होता है। आफ्टरनून से ही भीड़ होना चालू होता है और इवनिंग को जब लाइट जलता है तो और अच्छा व्यू आता है। तो हम ये इवनिंग वाला व्यू और ये आफ्टरनून का व्यू और इवनिंग होने के बाद जो लाइट वाला व्यू दोनों देखेंगे आज। और जो शाम का जो इवनिंग का जो टाइम होता है हम यहीं पे स्पेंड करेंगे। और आप लोग भी अगर गैंगटॉक आ रहे हो तो इवनिंग का जो टाइम होता है वो एमजी मार्ग जरूर आना। और दिन भर आप जहाँ भी घूमने घूमो, शाम को इवनिंग में जो एमजी मार्ग होता है ये सबसे फेमस स्पॉट है और यहीं घूमना सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा है, जो इंडिया फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग यहीं पे है। और आप बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे शाम को साइन स्पेंड करना, फॉरेन टाइप का फील आता है आपको। ऐसे बहुत क्लीन एरिया है और बहुत मज़ा आता है शाम को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना। तो चलो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बैक कैमरा में इस लोकेशन का कुछ अच्छे वीडियोस। चलो तो दोस्तों ये है एमजी मार्ग ऑफ गैंगटॉक, और गैंगटॉक का सबसे बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए। आप देखेंगे गैंगटॉक का जो मैक्सिमम पब्लिक इवनिंग टाइम में यहीं पे आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे पूरा फॉरेन टाइप का फीलिंग आएगा आपको, स्विट्जरलैंड जैसे लगेगा। ये जो स्ट्रीट है लगभग 700-800 मीटर का स्ट्रीट है पूरा, आपको स्विट्जरलैंड जैसे फीलिंग आएगा। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये इवनिंग से पहले का है, जब लाइट वाइट नहीं जलाओ। और आप देख सकते हैं कितना मस्त है, यहाँ पे सब लोग आते हैं और बीच में चेयर वगैरह डाला हुआ है, आप बैठ सकते हैं। और आप दूर में एक तिरंगा लहराता हुआ है दिखेगा आपको, एक बड़ा सा नेशनल ट्राइकलर, हमारा इंडियन ट्राइकलर होस्ट किया गया है वहीं पर। आप कहीं भी खड़े रहो एमजी मार्ग में, आपको ये ट्राइकलर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है ये जो ट्राइकलर। तो मैं आपको इवनिंग से पहले का और इवनिंग के बाद का वीडियो दिखाऊंगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, पूरा जो एमजी मार्ग का जो जितने भी दुकान का वीडियो है आप देख सकते हैं। दोनों साइड में दुकान है, बहुत टाइप का दुकान है, रेस्टोरेंट टाइप का भी है, पब है, बार है और मेडिसिन शॉप है, दारू का दुकान है, बहुत सारे दुकान है वहाँ पर। और ये सब चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पर। और बुद्धिस्ट टाइप का ड्रैगन वार्ग आप देख सकते हैं, ये एक पब टाइप का है। तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा, बहुत सारे होटल भी है रहने के लिए, बहुत सारे होटल भी है एमजी मार्ग के दोनों साइड। मुझे दोस्तों पहली बार यहाँ पे इतना अच्छा लगा था, मतलब कोई भी प्लेस ऐसे जाओ और आपको फॉरेन टाइप का फीलिंग आएगा वहाँ पे, मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा। इतना क्लीन जगह है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटोज़ कितना अच्छे अच्छे आते हैं यहाँ पे। जैसे ही अंधेरा होता है बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ आते हैं। अब ये अंधेरे का वीडियो देखिए दोस्तों, लाइट जब जल जाता है तो बीच का जो गार्डन है और दोनों साइड का दुकान है, बीच में गार्डन में भी वो गवर्नमेंट ने डेकोरेशन वर्क करके लाइट लगा है, और दोनों साइड का जो दुकान है उसका तो लाइट जलता ही है, तो बहुत अच्छा नज़ारा आता है उस टाइम पर। और आप जो इवनिंग से पहले वाला नज़ारा और इवनिंग का बाद वाला नज़ारा दोनों देखना चाहिए वहाँ पे। मतलब आप अगर 5 बजे वहाँ पे पहुँच जाए तो 2 घंटा टाइम आप स्पेंड करेंगे और इवनिंग के बाद वाला भी व्यू देख के आएंगे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों वहाँ पे। तो दोस्तों वहाँ पे एमजी मार्ग के सबसे एंड में एक दुकान है, बहुत सारे दुकान, लगभग 4-5 दुकान है, आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे। जो बुद्धिस्ट का जो घर में सजाने वाला जो चीज़ है, बुद्धिस्ट का जो की रिंग हो गया घर पे, जो उनका फोटोज़ वगैरह लगता है, बहुत सारे चीज़ मिलता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस एमजी मार्ग स्ट्रीट में, बहुत चीज़ें हैं जो घर पर सजाने लायक है, आप लोग खरीद सकते हैं अपने घर के लिए यहाँ से। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये एमजी मार्ग वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।